गलत हो रहा है पहाड़ों में, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और प्लेयर ने सबसे बड़ी बात है यार, आउट हुआ उसके बाद स्टंप से मतलब पैरों से स्टंप को गिरा दिया यार, ये कोई खेल भावना नहीं हुआ ऐसे। सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनोज बिष्ट और स्वागत है आप सबका हमारे देवभूमि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के विलेज लुआणी में। तो दोस्तों आज का मॉर्निंग का नज़ारा काफ़ी बेकार है पूरा, और सफ़ेद सफ़ेद ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जंगलों में आग लग चुकी होगी, और इसी वजह से पूरा वातावरण सफ़ेद हो चुका है। और कुछ हद तक ऐसा भी हो रहा है कि यार कहीं बर्फ़ ना पड़ जाए एक दो दिन में। इस सीज़न में ना बारिश हो रही है ना बर्फ़ हो रही है, बस ठंडी हो रही है और हल्का हल्का धूप इधर खिल चुकी है। तो दोस्तों आज से हो सके तो मैं डेली ब्लॉगिंग करने की शुरुआत फिर से करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज तक जो हार्ड डिस्क करप्ट हुआ था ना उसमें काफ़ी सारे फोल्डर अलग अलग बनाने पड़ते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ वीडियोज़, और दोनों फ़ोटोज़ लैब में भेजने पड़ते हैं जहाँ की एल्बम बनते हैं, और वीडियोज़ मिक्सिंग लैब में भेजना पड़ता है जहाँ की वीडियोग्राफी बनती है। तो काफ़ी सारे लोगों के मैसेज भी थे इस वजह से उनको भी भेजना पड़ता है, तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है यार इस वर्क में ना, बहुत हार्ड स्ट्रगल है। आजकल रात को 12-1 बजे तक लगना पड़ता था, लैपटॉप पे बैठे रहना पड़ता था, तभी जाके फाइनली ये वर्क डन हो चुका है। तो अब आज के दिन में क्या कुछ होता है और आज कहाँ कहाँ हम जाते हैं, फिलहाल चाय की चुस्की और नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे। में मस्ती धूप भी खिल चुकी है और तुम्हारे भाई का नाश्ता और चाय भी हो चुका है, और मैं तैयार भी हो चुका हूँ। आज हमारे गांव की जो टीम है क्रिकेट टीम, तो वो यहाँ से तांगला के लिए प्रस्थान करेगी। तो तांगला में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और हम 2-3 दिन जा चुके हैं वहाँ, और आज फिर जाना है। तो अभी तो लड़के ज़्यादा तैयार भी नहीं हुए हैं, मैं तो तैयार हो चुका हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा दुकान भी देखना पड़ता है सुबह सुबह। तो फिलहाल दुकान चलाते हैं और जब जाने का होगा तब फटक से चल के तांगला का स्टेडियम और वहाँ का जो भी क्रिकेट कितने दूर से मैं दिखा पाता हूँ जितना भी हो सके कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से दिखाऊँ। तो चलो 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 मैच 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 तो हमारे कैप्टन राकेश आगे, राकेश वाइस कैप्टन, राकेश भाई ड्राइवर यही है, इन्हें पता होगा लुवाणी से यहाँ कितने किलोमीटर है, लगभग लगभग हो गया यार लगभग 25 किलोमीटर। तो दोस्तों हम 25 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुँच चुके हैं तांगला गांव में, और आज यहाँ एक ही मैच है शायद हमारा चांजुली के साथ, बुरा चांजुली के साथ है बल। तो ये हमारे कैप्टन, पहली बार इन्होंने कैप्टनशिप की और पहली बार शायद क्रिकेट खेला, और काफ़ी अच्छा भी खेल रहे हैं यार। इससे पहले मैच में ना इन्होंने बैक टू बैक 2 छक्के मारे थे तांगला में। तो ये रहा तांगला का गांव और ये रहा स्टेडियम, तो चलो नज़दीक से चलते हैं स्टेडियम की ओर। तो ये हमारे किल्ली भाई, तुम्हें कहाँ से उठा के लाए भाई? हम पैदल चल रहे थे वहीं से उठा दिया गया किडनैप खेलने के मूड में भी नहीं थे। जय माँ भगवती। तो दोस्तों अभी पूरी टीम निकल पड़ी है रोड से तांगला स्टेडियम के लिए गांव की गलियों से। ताऊ जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है फिर मैच देख के? मैं मैच देख के ठीक लग रहा है। कब से हो दर्शक? लगातार लगातार। अच्छा फाइनल तक देखते रहना, कैसा लग रहा है मैच देख के? कौन सी टीम सबसे तगड़ी है आपके हिसाब से यहाँ? देखते हैं कौन 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 से। चलो धन्यवाद, देखे रोड से है पता नहीं किस किस के बच्चे उठा के ले जा रहे हैं किडनैपर। तो दोस्तों ये रहा तांगला का क्रिकेट स्टेडियम और ये रहा पिच इस वाले खेत में। अभी तक चूना प्रक्रिया नहीं हुआ है, स्टंप भी नहीं लगा है, इसीलिए थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। और ये रहा कमेंट्री बॉक्स वाला एरिया जहाँ की कैंटीन टाइप का भी है, और यहीं से पूरा स्कोर बोर्डिंग चालू होगा। और हमारे टीम भी पहुँच चुकी है और चांजुली की टीम के कुछ प्लेयर भी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर खड़े हैं। तो चलो कुछ देर में टॉस प्रक्रिया शुरू होगा, चूना प्रक्रिया। और ये पहुंच चुका है हमारी टीम का नया बल्ला एस जी। एक मिनट, ठीक है, कॉलिंग हेड कॉलिंग हेड आया लुवाणी विन द टॉस, आप लोग फील्डिंग करिए हम बल्लेबाजी करेंगे। क्या तो हमारे सलामी बल्लेबाज सत्येंद्र और मुकेश, छक्का चले अंपायर को जरूर पार किया और सामने मुकेश छोटा सा रन
तीन कदम का रन अप है, ज्यादा नहीं। और निकाल दिया था, लौट सकते हैं, लौट सकते हैं, लौट सकते हैं। मर गया था मैं। चले भारत हल्का के कदम संपायर को पार किया और निकाल दिया खट करके, एक रन के लिए बाद। चले अंपायर को पार किया और सामने होंगे से जा सकता है फील्डर भी अंडर नीचे और क्या छोटा चौका सामने होंगे सतेंद्र। तो चले और अच्छी गेंद, दौड़ो दौड़ो, एक रन जरूर निकाला लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ने, जरूर बता रहा था। और स्टंपिंग आउट हो चुके हैं, पहला विकेट का पतन हो चुका है 26 रन पर। अब गए हैं वन डाउन पर, राकेश खुद कैप्टन है टीम के, देखते हैं क्या करते हैं ये। हल्का कदम संपायर को पार किया और ये घुमाया, शायद खाता, चार रन चौका। अभी की गेंद में तीन रन दौड़ गए, थोड़ा यहाँ पे जो फील्ड है वो आठ फील्ड की कमी है और सीधे खेतों से नीचे गेंद को पार किया और ये मारा राकेश ने ऑफसाइड में और एक रन पूरा किया, रन आउट। चले जस्सी गए लाल के कर्म से और निकाल दिया, अच्छा गेंद, कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरा के लिए भागे, चांस बना और सतेंद्र रन आउट के लिए जल्दी से फील्डर तैयार रहे अंपायर और ये अच्छा सम्मान दिया, चार रन चौका डिग्गी के बल्ले। तो नहीं जाते हैं तो शायद अंपायर का इशारा है इसका, दूसरी गेंद जरूर थी उनके पास। पांचवा ओवर की पहली गेंद, दोनों बाउंड्री जरूर मारी, चार ओवर 43, काफी अच्छा स्कोर। लोकेश बहुत बड़ा सुंदर गेंद जरूर है, दूसरा जो मैच एक बार फिर राइट हैंड ओवर तो किशवार 24 रन दौड़ कर दिया। तो पांच ओवर की समाप्ति पर टीम स्कोर 50 रन यानी अर्धशतक हो चुका है लॉन टीम का। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी फुल टॉस गेंद और ये किनारा गेंद जाएगी काफी दूर और चार रन। अंपायर क्या हुए, बल्लेबाज के खाते में चौका, टीम स्कोर 54 रन, काफी अच्छा स्कोर चलता हुआ अभी तक। तो खेलना जरूर चाहिए, खेल दिया उसकी पारी, खेलने की लुआनी की तरफ से चले भूषण जी राइट हैंड स्पिन गेंदबाजी, रोड एक शॉर्ट पिच गेंद, चले धीरे धीरे कदम पर अंपायर को पार किया, इस बार शॉर्ट पिच गेंद, फील्डर मौजूद है लेकिन काफी दूर, खतरा जरूर था लेकिन कोई नुकसान नहीं। तो दोस्तों अभी थोड़ा टीम लड़खड़ाती नजर आ रही है क्योंकि चार विकेट हो चुके हैं और रन स्कोर काफी खराब चल रहा है अभी। फुल टॉस गेम, गोल दिया इसको बेस्ट बॉलर लेकिन राहुल, चले एक बार फिर पहली इनिंग पूरी हो चुकी है और लुवानी ने 134 रन बनाए हैं, ओवर की समाप्ति हो चुकी थी। तो देखते हैं अब चांजुली की बल्लेबाजी है किस तरीके से वो रन फेस करते हैं या हम 10 विकेट या ओवर पूरा कर पाते हैं। अभी थोड़ा गोप्रो बंद करेंगे और फिलहाल फील्डिंग पर लग जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी टीम जीत चुकी है चांजली के साथ और अब हम आगे का पड़ाव में पहुंच चुके हैं, तो चलो घर की ओर चलते हैं अब खुशी खुशी। और अभी जीत गए हम क्योंकि मैच कुछ अलग ही टाइप का रहा यार आज थोड़ा, मतलब एक प्लेयर स्टंपिंग आउट हुआ तो उन्होंने कहा स्टंपिंग आउट नहीं था, बट एम्पायर ने यार पूरा देखा, पूरा बाहर खेल रहा है फिर भी आउट होने की वजह से विवाद कर रहे हैं वो लोग। तो पहाड़ों में इस तरीके का नहीं होना चाहिए वैसे ना यार, एम्पायर इतना क्लोजली देख रहा है फिर भी तुम लोग आउट हो रहे हो और बोल रहे नहीं, बट तो ये गलत नहीं है। जैसे एम्पायर भी हैं, इतने फील्डर हैं, सब अपील कर रहे हैं, अंपायर आउट दे रहा है और दूसरी टीम बोल रही है नहीं बल, तो वो प्लेयर अच्छा खेलता था इसका मतलब नहीं कि उसके बाद कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेलता। वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, चार पांच पता नहीं कितने विकेट हो गए थे उनके और
चांजुली टीम ने आधे में ही, क्योंकि उनके रन स्कोर बहुत कम थे और शायद 8-9 ओवर हो गए थे, 50-55 रन हो रहे थे और स्कोर बनाना था 132, तो उन्होंने मैच ड्रॉप कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, अभी तो बहुत प्लेयर है, एक बॉल लास्ट के एक बॉल तक भी जीत सकते हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बट ये गलत हो रहा है पहाड़ों में, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और प्लेयर ने सबसे बड़ी बात है यार, आउट हुआ उसके बाद स्टंप से मतलब पैरों से स्टंप को गिरा दिया यार, ये कोई खेल भावना नहीं हुआ। ऐसे लोगों से मतलब थोड़ा होता है यार, भाई लोगों आपसे अपील है यार, मतलब पूरी ग्राम सभा बड़े प्यार से मैच करवा रही है, थोड़ा बहुत उनकी भी सुन लिया करो। ये नियम नहीं कि आप स्टंप गिरा दो या कहीं फेंक दो, इस तरीके से बड़ा बड़ा विवाद हो सकता था। बट ग्राम सभा तांगला ने आराम पूर्वक ये मैच हमें विजेता घोषित किया और हम पहुंच चुके प्री क्वार्टर में। तो चलो चलते आप गाड़ी के पास, सभी लड़के जा चुके हैं वहाँ पे। तो दोस्तों इवनिंग का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, काफ़ी मस्त नज़ारा लग रहा है, पूरा आसमान कोहरे से भर गया, ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और ये भैया लगे हुए हैं अपने काम में और ये पूरा नज़ारा इवनिंग का। तो हमारा खाना खाने का टाइम भी अभी हो रहा है, क्योंकि पहाड़ों का दिन का जो कल्चर है कुछ इस प्रकार ही चल रहा है कि हम क्रिकेट मैच खेलने काफ़ी दूर जाते हैं और काफ़ी लेट से घर पहुंचते हैं। तो हमारा जो 12 बजे 1 बजे का लंच होना था वो अभी इवनिंग के 6 बजे हो रहा है। तो इस तरीके का फेसिट आप लोग भी करते होंगे ज़रूर क्रिकेट सीज़न के समय में। और ये लगे हुए हैं हर कोई काम में, ये भाभी जी भी गोबर डाल रही है, मम्मी बैठी हुई है और ये भैया लगे हुए हैं सोल्टी बुनने में। तो पहाड़ों में इस तरीके की मेहनत, सब लगे हुए अपने बिजनेस। तो दोस्तों जस्ट 5 मिनट पहले अपनी शॉप के शटर भी मैंने ओपन कर दिया है, लोगों का मॉर्निंग की 9 बजे सुबह दुकान खुल जाती है और मेरा भी 6 बजे खुल रहा है। तो मैच के सीज़न के वजह से ही, मतलब हमारी जो उम्र है ना यही है आजकल क्रिकेट खेलने के, जब बुढ़ापे हो जाएंगे तो कहाँ से खेलेंगे ना, इसीलिए हम फुल इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और अभी जैकेट अलग, हुड अलग, अंदर से स्वेटर अलग, इतनी ठंड लग रही है, इतनी बारिश, मौसम को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि कल तक बारिश बर्फ हो सकता है। बट बस ये उम्मीद है यार, अगर जल्द से जल्दी बारिश हो जाए ना तो फसल भी अच्छे हो जाएंगे और हमारा पहाड़ का जो मौसम है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो इंतज़ार रहेगा कि कल का मौसम कैसा होता है। तो फिलहाल दुकानदारी करते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो दोस्तों वक्त हो चला है 8:08 और अभी ही 8:07 में तुम्हारे भाई ने शटर डाउन कर दिया है। तो दुकानदारी आजकल ठीक ही चल रही है, वैसे ठीक भी तो कहाँ से बोलें, क्योंकि दिन भर तो हम कभी कहीं मैच देखने जा रहे हैं तो कभी खेलने जा रहे हैं, तो इसी वजह से हमारा बस मतलब समय व्यर्थ ही माने चाहे अपना एंटरटेनमेंट माने, जो आप सोच सकते हैं कमेंट करके बताना। तो चलो पहले चलते हैं नीचे किचन में खाना खुनो खाने, क्योंकि अभी वाइफ जी यानी तुलसी जी आई हुई थी मुझे बुलाने और मैंने कहा वीडियो में तो आओ, वो भाग गई फटक से। तो चल फिर चलते हैं खाना खुनो खाते हैं और इस ब्लॉग को एडिट भी करना है। तो मिलते हैं इस पहाड़ी खेतों में यानी सीढ़ीनुमा खेतों में क्रिकेट सीजन के साथ एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।